एक भाई बार बार कह रहे थे कि सर बताएं आप स्कोप क्या है एक्चुअरियल साइंसेस और इसमें का। ये इस वीडियो के लिए ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिल पाया था, मुझे रात भी उनकी कॉल आई थी, मैंने सुबह भी कहा था, लेकिन अब बहरहाल अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसको अच्छी फील्ड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जॉब मिलते हैं। अब इंश्योरेंस में नहीं कि आपको लोगों के पीछे भागना होगा भाई, इंश्योरेंस हरा लो, उससे तो ज़्यादा फायदा कोई काम नहीं है। यही होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो बनानी होती हैं, उनकी एवोल्यूशन करनी होती है। मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स का बहुत काम है, बेसिकली ये स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट वालों ने ही कायम किया था और एक बैच इनका निकल चुका है। अब ये वाली बात पे लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा ये जानने वाला इसको जॉब नहीं मिली, इस जानने वाले को अगर नहीं मिली तो दूसरे जानने वाले को मिली भी होगी। याद रखें, कोई भी फील्ड हो, किसी भी इंडस्ट्री की, हर बंदे को ना जॉब मिलती है ना हर बंदा जॉबलेस रहता है। कुछ ना कुछ मिलेंगी, कुछ को नहीं भी मिलेंगी, कुछ को उस फील्ड से रिलेट नहीं मिलती तो दूसरी जगह मिल जाती है। ऐसे इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ के बिजनेसमैन भी बाहर जाने में मजबूर हो रहे हैं। तो जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप अच्छा है पाकिस्तान में। डिफरेंट इदारे और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, अगर आप करते हैं एक्चुअरियल साइंस मास्टर और एक दो साल यहाँ पाकिस्तान में जॉब करते हैं तो इंटरनेशनली आपको बहुत हाथों हाथ लिया जाता है, ख़ासतौर पे इंग्लैंड साइड पर बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। तो जाहिर सी बात है, अब टेस्ट करिए, आप बिल्कुल दीजिए और अगर मिलता है एडमिशन ले लें। इंशाल्लाह।